गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4, क्लीन टुगेदर. क्लीन टुगेदर मीन्स होता है बच्चों मिलकर साफ सफाई करना. अच्छा, आपने अपने आसपास अपने घर में भी देखा होगा कि अगर हमारा घर या हमारी आसपास की सड़कें गलियां कहीं भी गंदगी होती तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता. और अगर साफ़ सफाई होती है हर जगह तो हमको कैसा लगता है? तो हमें बहुत अच्छा फील होता है. सेम ऐसे ही है कि अगर आपके आसपास सफाई नहीं होगी तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी. इसलिए हमें अपने घर, अपने आसपास, अपने स्कूल, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पर भी आप रिलेटेड हैं, वहाँ पर आपको सफाई का ध्यान रखना चाहिए. ओके, आप 2 अक्टूबर तो जानते ही हैं किस लिए फेमस है. 2 अक्टूबर इज़ फेमस फॉर गांधी जीज बर्थडे. गांधी जी का बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर को. सो वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती. 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, ठीक है. इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री की सफाई को देखते हुए हमारे देश के अंदर सभी के दिमाग में, मन में सफाई के लिए अवेयरनेस लाने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया. एक कैंपेन का मतलब होता है एक आंदोलन, कि सभी लोग उससे जुड़े. एक कैंपेन स्टार्ट किया और ताकि सभी लोग सफाई के लिए अवेयर हो. और ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर को, गांधी जी के बर्थडे के दिन. 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जी की जो समाधि है राजघाट, वहाँ से ये लॉन्च हुआ था. और किसने लॉन्च किया था? आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया था. और ये इस कैंपेन में सभी ने इस बात की प्रतिज्ञा ली थी कि वो देश की स्ट्रीट्स, रोड्स और जो भी बिल्डिंग्स हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, उनकी सफाई का ध्यान रखेंगे. और इस मिशन का नाम रखा गया स्वच्छ भारत अभियान. ओके, अगेन नाम सुन लीजिए. इस कैंपेन का क्या नाम था? स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन. ओके, ये कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को. किसने स्टार्ट कराया था? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था. क्यों किया था? ताकि हमारे देश में, हमारी कंट्री में सभी जगह लोग सफाई के लिए अवेयर हों, हर जगह सफाई हो. ओके, अब आप बताइए, जो ये आपके आसपास, आपके घर में या स्कूल में या कहीं भी जो गंदगी होती है उसका रीज़न कौन होता है? उसका रीज़न हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही गंदगी करते हैं. घर में अगर गंदगी, सफाई है और घर अगर गंदा होता है तो उसके पीछे रीज़न हम लोग ही होते हैं. हम ही करते हैं हम गंदगी करते हैं लेकिन सफाई नहीं करते. स्कूल में भी हम इधर उधर कचरा, वेस्ट पेपर वगैरह फेंक देते हैं, तो रीज़न कौन होता है? हम होते हैं. इसलिए सफाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल किसको होना चाहिए? हमें होना चाहिए. हमें अपने आसपास सफाई का ध्यान खुद रखना चाहिए. अगर आपके आसपास कहीं पर भी गंदगी या कचरा पड़ा है तो उसे उठा के हमें डस्टबिन में डालना चाहिए. और अपने घर पे भी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर में सफाई होगी, हमारे आसपास सफाई होगी, तो हमारे पूरे कंट्री में सफाई होगी. और हमारे कंट्री में सब जगह सफाई होगी तो पूरा देश कितना सुंदर लगेगा. सभी लोग फिट होंगे, हेल्दी होंगे, जो हार्मफुल जर्म्स और इंसेक्ट्स हैं वो पैदा नहीं होंगे. इस चैप्टर में और भी हम सफाई के बारे में स्टडी करेंगे इन आर नेक्स्ट क्लास. टुडे आई एम गिविंग यू द होमवर्क दैट यू हैव टू रीड पेज नंबर 26 एंड पेज नंबर 27. ओके, थैंक यू.